देश में दलित राजनीति इस समय उफान पर है। हर दल को दलितों का वोट चाहिए, क्योंकि जिस ओर दलित झुका आम चुनाव में उसी पार्टी की जीत की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी भी दलितों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। दलितों को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज कुंभ में डुबकी लगाने के बाद सफाई कर्मियों के पैर धोकर उन्हें सम्मानित किया। इस घटना को एक सप्ताह ही बीता था कि दलित आज सड़कों पर भारत बंद कराने के लिए उतरे, क्योंकि उन्हें अपने पैर नहीं धुलवाने, उन्हें सरकार से न्याय चाहिए। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे। यहां उन्होंने संगम में स्नान किया, उसके बाद सफाई कर्मियों के पैर धोए। जिन लोगों के पैर प्रधानमंत्री ने धोए, निसंदेह वो काफी दबे और कुचले वर्ग से आते हैं। किसी प्रधानमंत्री का सफाई कर्मियों के पैर धोने को सामान्य घटना नहीं माना जा सकता, लेकिन क्या इससे उनके कष्टों का निवारण भी हो गया? प्रधानमंत्री 5 मिनट तक सफाई कर्मियों के साथ रहे। इस दौरान किसी सफाई कर्मी ने प्रधानमंत्री से शायद ही एक शब्द भी बोला हो। जिन लोगों के प्रधानमंत्री ने पैर धोए, उनमें बांदा जिले के धोराता गांव के रहने वाले होरीलाल भी शामिल थे। होरीलाल ने बताया कि कुंभ में वो सफाई का काम करने गए थे। इस दौरान अचानक उन्हें बताया गया कि प्रधानमंत्री उनसे मिलेंगे। प्रधानमंत्री का पैर धोना किसी सपने जैसा था, लेकिन एक कसक यह रह गई कि हम प्रधानमंत्री से अपने लिए कुछ मांग नहीं सके। प्रधानमंत्री के पैर धोने से हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। हम पहले भी सफाई का काम करते थे और बाद में भी कर रहे हैं। ये काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। काम के चक्कर में यहाँ वहाँ भटकना पसंद नहीं है। काम कोई भी हो, पक्का होना चाहिए। पीएम मोदी अगर ऐसा कर देते तो अच्छा रहता। होरीलाल ने कहा कि अगर एक दिन का वेतन 310 रुपए भी हो जाए तो अच्छा होगा। होरीलाल की तरह 40 साल के प्यारे लाल भी सफाई कर्मी हैं, और जिनसे प्रधानमंत्री मिले उनमें ये भी शामिल थे। प्यारे लाल का कहना है कि मेरे 8 बच्चे हैं, जिनमें से 3 दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, लेकिन काम रोज रोज नहीं मिल पाता। पीएम मोदी सफाई कर्मियों का वेतन बढ़वा दें तो इस पेशे में काम करने वालों के लिए अच्छा होगा। होरीलाल जहां कम से कम 310 रुपए दिन की मजदूरी मांग रहे हैं, वहीं ज्योति की सफाई कर्मियों के लिए मांग रोज का 500 रुपए की है। महिला सफाई कर्मी ज्योति ने कहा कि हमें नौकरी चाहिए, सम्मान से रोजी नहीं मिलती। दूसरे लोगों की गंदगी साफ करने के लिए मनुष्यों का क्या काम? वो काम तो मशीन भी कर सकती है, यानी जिन लोगों के पैर प्रधानमंत्री ने साफ किए, यदि उनकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। उनकी जो समस्या थी वो वही के वही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।